सर ये लिस्ट है, 300 से ज्यादा मुर्दा हो गए मुर्दा घर में, कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। यही तो सर, कोई बॉडी लेने आता ही नहीं। अरे पर आप मुर्दे के रेट इतने ज्यादा बताती हैं कि कोई ले ही नहीं जाता। नहीं सर, हम तो मुर्दों से पूरा सहयोग करते हैं। मुर्दों से? इन व्हाट वे? अरे मेरा मतलब है मुर्दों के रिश्तेदारों से। तो फिर मुर्दों का स्टॉक यहाँ इतना क्यों हो गया है? लावारिस लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं ना सर आजकल, और संस्कार का खर्चा इतना बढ़ गया कि लोग मुर्दा ले जाते ही नहीं है, और नई प्राइवेट संस्थाएं संस्कार करने के लिए आगे आती हैं। हाँ फिर उनके संस्कार हमें करने पड़ते हैं। ये तो गलत संस्कार है, हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। यही तो। उषा जी, दरअसल लोग हमें अप्रोच करने से घबराते हैं, मगर क्या है, पासपोर्ट बनाने के लिए लोग दलाल को पकड़ते हैं, लाइसेंस बनाना हो तो भी दलाल। तो भाई हमने ये सोचा है कि मुर्दा लाने के लिए भी दलाल अपॉइंट करते हैं, जो पब्लिक और स्टाफ की दूरी को कम करेगा। फ्री में? फ्री में क्यों भाई, दलाल भी सरकारी कर्मचारी होता है ना, इनफैक्ट सरकार वही तो होता है। कैसा लगा आइडिया? आइडिया बहुत अच्छा है सर। थैंक यू पांडे। जूते मार रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं? क्या पांडे के आगे जी लगाइए। हाँ वो आपको वो कॉम्प्लेक्स। थैंक यू पांडे जी। इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला एक दलाल हमने अपॉइंट किया है, जो थोड़ी बहुत दलाली लेकर पब्लिक का काम आसान करेगा। शुक्ला, शुक्ला ये उषा जी हैं, ये पांडे जी हैं, और ये पटेल। तो समझ गया ना, हमें मुर्दा घर से मुर्दे कम करने हैं। डोंट वरी, पब्लिक खाली हाथ नहीं जाएगी, फोर व्हीलर के लाइसेंस वाले को टू व्हीलर फ्री। शुक्ला ये आरटीओ नहीं है, मुर्दा घर है। सॉरी सर, सॉरी सर, एक मुर्दा लेने पे एक फ्री। क्या बात है, लाइसेंस लेने आए हैं क्या? अरे यार सॉरी सॉरी, मैं आरटीओ में दलाल था पहले, आदत गई नहीं। मुर्दा लेने आए हैं? नहीं। अरे ले लीजिए ना, एक लेने पर एक फ्री है। क्या मुर्दा? क्या बताइए, कौन मरा, कौन है? कोई नहीं मरा भाई। तो फिर यहाँ क्यों आए? पता करने आया हूँ। क्या पता करने? आपको इससे क्या मतलब है, आप अपना रास्ता लीजिए। अरे हम कहाँ रास्ता ले, आप अंदर जाइए ना। अंदर जाऊँ? हाँ जाइए, जाके पता कीजिए, पता चल जाए हमें बताइए, लर्निंग और परमानेंट दोनों मुर्दे आज ही दिला देंगे। सॉरी भाई साहब, वो आरटीओ वाली आदत गई नहीं है, जाइए अंदर पता कीजिए। ये आप ही हैं? हाँ जी मैं हूँ। जी मैं मुसद्दीलाल श्रीवास्तव। नाइस टू सी यू। थैंक यू। बोलिए, मेल की फीमेल? मेल जी। भाई का बाप? ससुर। एक्सीडेंट या इंसिडेंट? हाँ जी। एक्सीडेंट में मरा या बीमारी से मरा? पता नहीं। पता नहीं मतलब? जी मतलब पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गए हैं। तो यहाँ क्या करने आए हो? देखिए बात यह है कि मेरे ससुर पिछले एक हफ्ते से लापता हैं, सब जगह हम लोगों ने ढूंढ लिया, बस यही एक जगह बची है। तो हमने सोचा भगवान ना करे वो मर मुरा गए हों, तो बॉडीज तो आपके पास ही आती है ना, तो आप चेक करके जरा मुझे बता दीजिए। ये देखिए ये फोटो है उनका, और सुमन सक्सेना नाम है। ये हमें नहीं, उषा जी के पास जाके दिखाओ। लेकिन बॉडीज तो आपके पास ही आती है ना। अरे 400 मुर्दा पड़े हुए हैं अंदर, सबके पास जाके फोटो मिलाए क्या, दिमाग खराब हो गया आपका? उषा जी के पास जाओ, नाम बताओ, इस नाम का मुर्दा होगा हम देखाल के दे देंगे। तो उषा जी कहाँ मिलेंगी? यही तो, ये देखिए यही है वो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। कद 5 फीट, रंग गोरा, 305 नंबर। मुरारीलाल नाम था उसका? जी हाँ यही मेरे दादाजी है। ओके पांडे जी। यस सर। भाई 305 नंबर का मुर्दा निकालना, उसका आदमी आ गया है। जी सर। और 306 भी दे देना, 3 महीने से पड़ा है। पर 306 का मैं क्या करूंगा? एक पर एक फ्री मिल रहा है, डोंट वरी। पर फ्री लेके मैं करूंगा क्या? अपने दादा का जहाँ संस्कार करोगे ना, वहीं पे इसका भी कर देना, पुण्य लगेगा। जाओ आओ। जाओ जाओ भाई, अकेला दो दो थोड़ी उठाएगा। ये मैडम मुझे कुछ पता करना था। इंक्वायरी टाइम 10 से 11 के बीच में है, अभी 12 बजे है डिलीवरी टाइम है। मुर्दा उर्दा लेना हो तो बोलो। मुर्दा? अभी तो पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। क्या जी? मेरे ससुर एक हफ्ते से लापता हैं। तो पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से वो हमारी इंक्वायरी करेंगे, तब हम बताएंगे ना। देखिए मैं गया था पुलिस स्टेशन, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास केस बहुत ज्यादा है, खुद ही ढूंढ लो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये देखिए ये उनका फोटो है, और सुमन सक्सेना उनका नाम है। ए तुम जल्दी जल्दी करो ना, एक और भी बाकी है। मैडम अभी बोला ना टाइम नहीं है, कल 10 से 11 के बीच में आ जाओ। जी मैडम। हो गया? ये तो नहीं हुआ ना मैडम। आप जी मुझसे औरतों वाले काम कराती है ना, मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, अगर उसको पता चल गया ना तो छोड़ेगी नहीं वो आपको। अच्छा कहाँ है वो? मुर्दा घर में। हाँ तो तुम कल आ जाना और मुर्दा ले जाना। थैंक यू। मुर्दा? मैं मुर्दा लेने के लिए नहीं गया था, मैं पता करने के लिए गया था कि मेरे ससुर सुमन सक्सेना मरे तो नहीं है। पता चला? कहाँ पता चला, कहती हैं 10 से 11 के बीच इंक्वायरी होती है।
बाबा फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पता करने का आइडिया नहीं है। अच्छा तो कैसे पता किया जाता है? अरे जाइए अंडर डाइ कहिए मेरा ससुर मर गया। पर वो तो मरे नहीं है ना। पूरी बात तो सुनिए, जाइए कहिए हम अपना खाकू का मोगा गया है। ससुर का गुर्दा लेने आए, आपका दिमाग खराब हो गया? अरे मैं ससुर का गुर्दा क्यों लूंगा, मेरे पास दो दो गुर्दे हैं। अरे गुर्दा नहीं गुर्दा नारायण, मुर्दा मुर्दा और केवल मुर्दा लेने आए हैं। फौरन फाइल निकालेंगी, अगर ससुर का नाम हो गया तो ससुर मर गया और नहीं तो ससुर जिंदा है। अच्छा हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। और एक बात, अगर बाई चांस ससुर आपके मर गए तो डिलीवरी हमसे कराएगा, फ्री होम डिलीवरी करेंगे। और बाई चांस आपसे डिलीवरी ना करें तो जाते भी हम ऊंचा जी को कह देते हैं कि बेवकूफ बना रहा है। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक है तुम भी क्या याद रखोगे, होम डिलीवरी तुम्ही से करवाएंगे। आओ आ जाओ, जाओ मेरी स्कूटर पे बैठे हुए थे। यही तो ऐसे बोलना चाहिए था ना, कब से कह रहे हो इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी करनी है। नाम बोलो। मुसद्दीलाल श्रीवास्तव। हाँ 105 नंबर पे है मुसद्दीलाल श्रीवास्तव का मुर्दा। क्या मुसद्दीलाल श्रीवास्तव तो जिंदा है, तो ये किसका मुर्दा है? मुझे क्या पता। तुम्हें क्या पता है? यही कि मुसद्दीलाल श्रीवास्तव जिंदा है। तुम्हें कैसे पता? ये मैं मुसद्दीलाल श्रीवास्तव हूँ और मैं अपना मुर्दा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने ससुर का मुर्दा लेने के लिए आया हूँ। नाम बोलो। सुमन सक्सेना। पहले बोलना चाहिए था ना, एक मिनट। सुमन सक्सेना, सुमन सक्सेना। रंग गोरा। हाँ। पांच फीट चेंज। हाँ। हाँ, तो 401 नंबर पे है सुमन सक्सेना। क्या मेरे ससुर मर गए? अरे मेरे ससुर मर गए, ए भगवान। ट्यूबलाइट है क्या? ससुरे का मुर्दा ढूंढने आए और अब रो रहे हो? तो अभी तो पता चला है ना। पहले पता नहीं था वो मरा है, तो फिर क्यों बोला मुर्दा ढूंढने को? वो तो जिंदा की आप इंक्वायरी नहीं कर रही थी, अब मेरे ससुर का मुर्दा मुझे दे दीजिए। हे भगवान ये क्या हो गया? अब ये सोचो कैसे होगा। क्या? मुर्दे की डिलीवरी। वो तो शुक्ला जी करा देंगे। लेकिन फॉर्म तो आप भरेंगे ना जनाब। अच्छा फॉर्म कहाँ मिलेगा? पांडे जी के पास। मरने वाले का नाम? सुमन सक्सेना। पता? 33/34 मरकावटगंज। उम्र? 66 बरस। विवाहित या अविवाहित? पहले तो विवाहित थे, आजकल अविवाहित चल रहे थे। क्या मतलब? मतलब पत्नी का देहांत हो गया था ना। वो बच्चे? ये एक बच्ची है। कितनी छोटी है? छोटी नहीं मोटी, मेरी पत्नी है वसुंधरा। किसी पे बैठ जाए ना तो वो आदमी मर जाएगा। साइन कर यहाँ। हाँ। अच्छा ये अब मुझे मुर्दा दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दें, ये फॉर्म पटेल साहब के पास जाएगा, वो साइन करेंगे तब मिलेगा। कब साइन करेंगे? जब ये लेके जाओगे। जी मुसद्दीलाल श्रीवास्तव, सन इन लॉ ऑफ सुमन सक्सेना। जी कब से लापता हैं ससुर जी? जी पिछले एक हफ्ते से लापता हैं। रात को 9:30 बजे उन्होंने खाना खाया, उसके बाद हवा खाने के लिए बाहर निकले और पता नहीं कौन उनको खा गया। हमने हर जगह पे रिपोर्ट की, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट की, अब यहाँ आके पता चल रहा है कि उनकी लाश। रो मत साहब, डेड बॉडी डिलवाएंगे। हाँ और एक डेड बॉडी फ्री में भी देंगे। है जी? हाँ ये हमारी लेटेस्ट स्कीम है और उसका हम सिर्फ 1 रुपया लेंगे, शगुन के तौर पर दीजिए 1 रुपया। शगुन के लिए ना? हाँ ये लीजिए। ओके अब चलते हैं हमारे खेल पर। ये देखिए, ये पहले पन्ने पर है ये 1 महीना पुराने मुर्दे हैं, दूसरे पन्ने पर है ये 2 महीने पुराने मुर्दे हैं और तीसरे पन्ने पर है 3 महीने पुराने मुर्दे। बताइए आप कौन सा मुर्दा लेंगे? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गोविंदा छप्पर फाड़के में 1-1 रुपए में फ्रिज खरीदवाता है। और सर आप गोविंदा टाइप लग भी रहे हैं। अच्छा थैंक यू शुक्ला। और कौन सा लेंगे? मैं क्यों लूंगा, लेना तो पड़ेगा ना। पर मैं उसका करूंगा क्या? उसका भी दर्शनकार करवा देना। क्या? नहीं 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 नहीं। अरे ले लो भाई साहब, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो मैं तुम्हें अपने ससुर का मुर्दा दूंगा या तो लटका देंगे और ऑक्शन कर देंगे, मिलेगा नहीं। और नहीं मिला तो 2 बातें हो जाएगी, या तो तुम ससुर को मरा प्रूव कर पाओगे या तो नहीं कर पाओगे, बिना डेड बॉडी के प्रूव कैसे करोगे। और नहीं कर पाए तो 2 बातें होगी, या तो ससुर की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, मिलेगी कैसे, और नहीं मिली तो। अरे यार क्यों क्यों एक मुर्दे के चक्कर में अपना नुकसान करना चाहते हो, ले जाओ ना। ठीक है ओके आप साइन कर दीजिए। ओके तो कौन सा वाला दूं, पहले पन्ने वाला या दूसरे पन्ने वाला या? नहीं नहीं वो तीसरे पन्ने पे जो तीसरा वाला है ना वो दे दीजिए। अब ये मत पूछिएगा गोविंदा की तरह कि किसके लिए ले रहा हूँ मुर्दा। अच्छा मजाक कर। लो 1000 रुपए।